तो ये देखा 1998 से 2003 डबल इंजन की सरकार थी धूमल जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अटल जी के आशीर्वाद से धूमल जी ने गांव गांव में सड़कें बनाई, अन्न बिजली परियोजनाएं लगाई, कोल डैम भी बनाया, हिमाचल प्रदेश को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। हम बहुत राज्यों से आगे निकल गए। फिर अटल जी से औद्योगिक पैकेज मंजूर करवाया। आज हिमाचल में जितना उद्योग लगा है, उस समय धूमल जी ने अटल जी से मांग कर मुझे फैक्ट्री लगाई, 5 लाख लोगों को रोजगार मिला। अटल टनल का काम शुरू करवाया, हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाया। लेकिन जैसे ही डबल इंजन की सरकार गई, प्रदेश में चले गए, देश में चले गए, तो क्या हुआ? हिमाचल का औद्योगिक पैकेज 10 साल से कम करके 4 साल कर दिया, विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया, अटल टनल का काम बंद करा दिया और विकास थम गया। अब फिर जब डबल इंजन की सरकार कब बनी, केंद्र में कांग्रेस, प्रदेश में कांग्रेस, इन्होंने दिया नहीं, इन्होंने छीनने का ही काम किया है। लेकिन आपने मौका दिया एक बार फिर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनने का, और जयराम ठाकुर जी की सरकार यहां पे बनी। तो इन 5 सालों में जितने काम रुके हुए थे, विशेष राज्य का दर्जा जो कांग्रेस ने छीना था, वो नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल को वापस दे दिया है। अब औद्योगिक पैकेज की तरह ही मेडिकल डिवाइस पार्क और आपका बल्क ड्रग पार्क, 30,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 40,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास कर दिया है और आप सबको दे दिया। सड़कें तो दी ही, हमें भनुपली से बिलासपुर की रेलवे लाइन का काम भी शुरू नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करवा दिया है। हमारा 4 लेन का काम भी लगभग पूरा होने वाला है, जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, हमने 8 साल में करने का किया है। बिलासपुर में 1500 करोड़ रुपए का एम्स, तो ऊना में पीजीआई 400 करोड़ का, हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज 400 करोड़ का, 300 बिस्तर का अस्पताल, तो हमने बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई, ऊना में ट्रिपल आईटी बनाया, 6 केंद्रीय विद्यालय मंजूर करवाए, और अब वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, सड़कें हमीरपुर से बिलासपुर की 300 करोड़ में चौड़ी करवा दी, और अब मटौर बिलासपुर शिमला सड़क भी दुगनी चौड़ी कराने के लिए मंजूर करा दी। पुल आपके लिए अलग से बना दिया ताकि बिलासपुर को भी जाने में कम समय लगे शिमला जाने में, और तो और जितने प्रोजेक्ट आपने मांगे थे आनंदपुर साहब जाने के लिए अलग सड़क और पुल का निर्माण भी करने जा रहे हैं। जो मांगा वो करने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया था? इको तो नहीं ऑन है, बंद कर देना। अगर कांग्रेस ने क्या किया था, कांग्रेस ने तो मेरे भाई और बहनों, जो प्रोजेक्ट हम 2014 में भी मंजूर करवा के लाए वो भी रुकवा दिए, 10 में मंजूर कराए वो रुकवा दिए, 12 में कराए वो रुकवा दिए। एम्स 14 में मंजूर हुआ था, 18 में जमीन मिली। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज 11-12 में मंजूर हुआ, 2017 में एग्रीमेंट साइन हुआ। पहले कांगड़ा लेके थे टंगरोटा में चलाने के लिए। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज 15 में मंजूर हुआ, 18 में जमीन मिली। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2010-11 में मिली, अब जाकर 2019-20 में शुरू हो पाई। तो कांग्रेस ने दिया क्या, विरोध किया, केवल रुकवाने का काम किया है। और मैं तो आपको कहना चाहता हूं, ये विरोध करने वाली कांग्रेस चाहिए या विकास करके हिमाचल को आगे ले जाने वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए? मेरे भाई और बहनों, ये 5 साल पहले के कांग्रेस के ऐसे निकले थे कि बड़े बड़े प्रोजेक्टों को रुकवाने का ही केवल काम किया गया। मेरा आप सबसे निवेदन है,
अगर आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश और झंडूता का विकास करवाना है, कुछ कुछ जगह का विकास कराना चाहेगा, सारे जो लगा तो विकास तो हिंदुस्तान में भी भारतीय जनता पार्टी ने ही करवाया। आप देखिए 2014 से पहले गरीब कच्चे मकान में रहता था, बिजली का कनेक्शन नहीं था, रसोई गैस का चूल्हा नहीं था, सिलेंडर नहीं था, शौचालय भी नहीं था और घर को नलका भी नहीं था। दूर तालाब से पानी लेने जाता था, कुएं से लेने जाता था, बीमार हो जाए तो इलाज कराने के लिए जमीन भी गिरवी रखने जाता था। लेकिन मोदी की सरकार आई, 3,22,00,000 लोगों को पक्के मकान बनाकर दे दिए, हर घर को बिजली का कनेक्शन दे दिया, गरीबों को मुफ्त में मीटर और बिजली की तारें लगाकर दी और 4 LED के बल्ब दिए, रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा दिला दिया, शौचालय बना दिया, हर घर को नल नल से जल पहुंचा दिया, बैंक खाता खुला दिया, जनधन खाते वाली बहनों के खाते में 1,500 रुपए डला दिया और बीमार हो जाओ तो आयुष्मान भारत और हिम केयर से 5,500,000 का इलाज भी मुफ्त में करवा दिया। आपदा आई, कोविड महामारी के समय एक नहीं दो वैक्सीन बनवाई, कांग्रेस होती तो विदेशी देशों से खरीद कर लाती और कमीशन खाती, हमने हिंदुस्तान में बनाया आत्मनिर्भर के रूप में और 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन आप सबको मुफ्त में लगाने का काम मोदी सरकार ने किया। जो गरीब जरूरतमंद थे उन 80 करोड़ गरीब जरूरतमंदों को 3,50,000 करोड़ रुपया खर्च करके 2.5 साल पिछले 5 किलो गेहूं और चावल बिल्कुल मुफ्त में देने का काम मोदी सरकार ने किया है। ये राशन के अलावा जो इतना आपको मिलता था उसके अलावा दिया है। मेरे भाई और बहनों, ये जो हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो जयराम जी ने बिजली के बिल 125 यूनिट तक आपके माफ कर दिए, पानी का बिल माफ कर दिया और 60 साल वालों को पेंशन लगाकर टेंशन दूर करने का काम किया है। जो हमने नहीं भी कहा था वो भी करके दिखाया है, जो नहीं भी मांगा था वो भी दिया है। आज भी हमने संकल्प पत्र लेकर आए हैं तो महिलाओं पर बहुत एक अलग संकल्प पत्र लेकर आए, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अब 6,000 रुपया नहीं 25,000 रुपया मदद मिलेगी। जो स्कूल जाने वाली 6वीं से 12वीं की बच्चियां हैं उनको साइकिल, तो कॉलेज जाने वाले को स्कूटी मिलेगी। किसी गरीब की बेटी की शादी होगी तो अब 11,000 और 31,000 नहीं 51,000 रुपया शगुन मिलेगा। और जो मेरी जरूरतमंद और गरीब बहने हैं उनको साल के 3 गैस के सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त मिलेंगे। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण मिलेगा, यानी कि 100 नौकरियों में से 33 मेरी बहनों को मिलेंगी। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, ना तो है नहीं पैणा वास्ते ताली मारते जो मिल जाओ कुछ था मिलनी तक घर अची आई, आऊ मैं लिया ऊन मर गए ताली ऊन मर गए आखी मेरी तो बातें ही कान मेरे परले बात ही थे। बाकियों के लिए भी कुल मिलाकर 8,00,000 रोजगार सृजन करेंगे ताकि हिमाचल प्रदेश के युवाओं भाइयों बहनों को सबको रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिल सके। यही नहीं, हमारी जो बेटियां हैं अगर वो शहर या कहीं भी पढ़ने जाती हैं तो हर जिले में 2 हॉस्टल भी उनके लिए बनाने का काम करेंगे। स्वयं सहायता समूह, ये अगर बैंक से लोन लेते हैं तो इनको 2% की ब्याज की छूट हम देंगे, वो खर्चा हम सहेंगे। अगर आप होम स्टे चलाते हो तो बगैर ब्याज के आपको पैसा हमारी सरकार देगी। और मेरे भाई और बहनों, ये सारी सुविधाएं जो है, ये जो हम नल से जल देने का काम करते हैं, गैस सिलेंडर दे दिए, बाकी सब वो चलेंगे, वो तो कर ही रहे हैं,
ये उसके अलावा है। क्या क्या गणाए में है? गर्भवती महिला को 25,000, स्कूल जाने वाले बच्ची को 6वीं से 12वीं को साइकिल, कॉलेज जाने वाले को स्कूटी, 33% आरक्षण आपको सरकारी नौकरियों में, और 25,000 रुपया गर्भवती महिला को, और 3 सिलेंडर आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेंगे। शगुन योजना में 31,000 के 51,000 रुपया कर दिया है, महिलाओं की बस का किराया आधा कर दिया है, और मेरे बहनों सेल्फ हेल्प ग्रुप से आपको 2% ब्याज की छूट मिलेगी। होम स्टे शुरू करोगे तो आपको ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। और मेरे किसान भाई और बहनों, बिलासपुर के किसान तो इतने बड़े मशहूर है, खेती भी करके रहेंगे नहीं कर करते बोलना, आजकल तो घर का काम भी खूब पेरा करने फसल, पर जिसके बावजूद भी आप सब समय निकाल कर आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए करता हूं। किसानों को मैं कहना चाहता हूं, दुनिया भर में खाद और यूरिया के दाम 3 गुना बढ़ गए। कितने बढ़ गए? 3 गुना दाम बढ़ गए। लेकिन हमने, मोदी सरकार ने 2,30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी केवल इस साल दी है, ताकि आपके ऊपर, किसानों के ऊपर बोझ ना पड़े। और इसके अलावा 6,000 रुपया साल का मोदी सरकार किसान के खाते में डालती है, अब 6,000 मोदी सरकार डालेगी और 3,000 रुपया प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार डालेगी, यानी कि सालाना 9,000 रुपया मिलना। खाते के दाम बदने नहीं देते, 9,000 रुपया खाते च लागा आना, सिलेंडर मुफ्त हो गया, बिजली का बिल नहीं आना, पानी का बिल नहीं आना, 60 साल उम्र पेंशन लगी तो टेंशन रही क्या ही? मुनिया ने ब्याह जो पैसे मिल जाने, बेटियां साइकिल मिल जाने, स्कूटी मिल जाने, और राम राज्य क्या हुआ जी? और यही नहीं, मोदी जी की सरकार और जयराम जी की सरकार ईमानदारी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, जब यूक्रेन में 27,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे फंस गए, तो उनको युद्ध की भूमि से भी वहां से सुरक्षित वापस लाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। ये जो जय श्री राम के नारे लगाते हैं भाई, मोदी जी ने तो केदारनाथ धाम दिव्य और भव्य बना दी, सोमनाथ मंदिर में भी दिव्य और भव्य धाम बना दी, काशी विश्वनाथ धाम भी दिव्य और भव्य बना दी, अब तो अयोध्या धाम में अगले साल भगवान राम का मंदिर भी बनकर तैयार हो जाएगा, दिव्य और भव्य बनकर तैयार हो जाएगा। मेरे फौजी भाइयों की मांग, 1 रैंक 1 पेंशन भी मंजूर करा दी, फौजियों को बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर लड़ाकू विमान से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल INS युद्धपोत विक्रांत भी दिला दिया। हथियार दुनिया से मंगवाने की बजाय भारत में ही आत्मनिर्भर भारत में बनाने शुरू कर दिए, और हर दिवाली सेना के साथ मनाने का काम भी नरेंद्र मोदी ने ही किया है। सेना का मनोबल भी बढ़ाया तो जवानों को आधुनिक हथियार भी दिलाए, महिलाओं को मान सम्मान भी दिलाया तो महिलाओं के नेतृत्व में विकास भी कराया, किसानों की आय को दुगना करने का काम कर रहे हैं, वहीं पे जवानों नौजवानों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर दे रहे हैं। समाज का शायद ही कोई वर्ग ऐसा होगा जो कहेगा कि वह छूता रहा है, ना जाति पूछा, ना धर्म पूछा, ना संप्रदाय, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ फिर देश के लोगों की सेवा करने का काम नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। भाई और बहनों, ये हम सब में एक ऐसा अनुभव हुआ है इन 8 वर्षों में मोदी जी की सरकार में, कि दिल्ली से दिल खोलकर हमारे हिमाचल प्रदेश को दिया है,
और यहाँ पर जयराम जी की सरकार ने शानदार काम प्रदेश में करके चहुमुखी विकास प्रदेश का किया है। इसलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए, जैसे आपने 2014 से 19 तक मोदी जी की सरकार बनाई थी, 19 में फिर बनाई। अगर 19 में नहीं बनाते तो क्या होता? ना मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से नजात मिलती, ना सीएए का कानून आता, ना धारा 370-35 हटती, ना राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होता, ना ही 27,000 बच्चे युद्ध की भूमि से वापस आ पाते, ना ही 80 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मिल पाता, और ना ही आपको कोरोना महामारी में 2-2 वैक्सीन मुफ्त में मिल पाती। ये सारा काम देश को बचाने, आगे बढ़ाने का, और अंग्रेजों को, इंग्लैंड को पछाड़कर दुनिया में भारत को 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। देखिए, गरीब कल्याण भी किया, विकास भी किया, तो देश का मान सम्मान और नाम भी दुनिया भर में बढ़ाया है। यह तब हुआ जब डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश में। हम दिल्ली से भेजेंगे, अगर पुरानी कांग्रेस की तरह आए तो फिर वो तो रोक देंगे सब कुछ। अगर विकास की रफ्तार को तेज रखना है तो संदेश देना होगा कि विकास की रफ्तार है, फिर भाजपा सरकार है, फिर भाजपा सरकार है। और पिछला प्रोग्राम करने हटे तो दो बुजुर्ग मेरे पास है, बोले बच्चा डबल इंजीनियरिंग गड्डी क्या है? मैले जी मोदी जी रा इंजन, कहने के जयराम जी रा इंजन, दोनों बसे भारतीय जनता पार्टी। बोले अच्छा, मैले तो बोले बच्चा डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संघ पहाड़ी। मैले बड़ा अच्छा जी, भाजपा संघ पहाड़ी, और पहाड़ी चाहे हिमाचल में हो, उत्तराखंड में हो, मणिपुर में हो, वहां पे पहले कमल खिला चुके हैं, फिर सरकार बना चुके हैं। हमने उत्तर प्रदेश में योगी मोदी जी की सरकार बना दी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में फिर भाजपा की सरकारें बना दी, गुजरात में भी बनने वाली है, और अब हिमाचल की भी कमल खिलाने की तैयारी है। तो काम किया है, काम करेंगे, कांग्रेस की तरह झूठे वादे नहीं करेंगे। कांग्रेस वाले आए थे 2003 में, आपसे फॉर्म भरवा कर गए कि आपके परिवारों में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। मिलेगी और अगेड नहीं है जी, नहीं मिले है। फिर तो है ना, सरकार कड़ी थी, बारह करती नहीं मिले। फिर 2012 नवे फॉर्म प्रिंट करने लंदे, बोले बेरोजगारी पत्ता देंगे, ये तो पक्का मिल गया। मिल गया, कुछ जो नहीं मिल गया। अजकल तो नहीं कोई तीजा फॉर्म छिपाए ने है, वो भाई दो बारी ठगी है, समझदार जो तो इशारा ही काफी हो, दो बारी फॉर्म भरा नहीं दिते, कुछ नहीं उनका जो कागज ही काले करने हैं। मेरे भाई और बहनों, ये वो लोग हैं जिन्होंने पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कहा था कि वो किसानों के कर्जे माफ करेंगे, इन्होंने नहीं किए। कांग्रेस वोट बटोरती है, फिर सत्ता में आके नोट बटोरती है। इन्होंने भ्रष्टाचार किया और भाजपा ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। कांग्रेस ने विरोध किया, हमने विकास करके हिमाचल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। आज देश की औसत से हिमाचल बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने बहुत अच्छा किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ही प्रत्याशी को झंडूता से टिकट दी है, एक को, जिनके पास कमल का चुनाव चिन्ह है, उनका नाम है जीतराम कटवाल। और मेरा जीतराम कटवाल जी के लिए आप सबसे अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए केवल कमल का चुनाव चिन्ह देखें, कमल का बटन दबा देना, कटवाल जी को विधायक और डबल इंजन की सरकार बना देना। मेरे भाइयों का मोदी जी 9 तारीख को सुबह 10:30-11 बजे तक आ जाएंगे सुजानपुर के चौकान में। मैं आप सबको भी निमंत्रण देता हूं, आइए देश के प्रधानमंत्री जी को हम विश्वास दिलाएं कि झंडूता से जो आपने पूर्व अधिकारी जीतराम कटवाल जी को टिकट दी है, टिकट आपने दे दिया, नड्डा जी ने दे दिया, जीत हमारी झंडूता की जनता करवा कर देगी।
जीत की जीत पक्की है। इसे दूसरे तरीके ने गलाना चाहिंदा, दबाकर कमल का बटन, कर दो सुनिश्चित कटवाल की जीत।